जिनके भी पैरों में, एंकल्स में दर्द रहता है, घुटनों में बहुत दर्द रहता है, तो इस तरीके की वॉकिंग और एक्सरसाइज करके आप कुछ ही दिनों में फ़र्क ज़रूर देखेंगे। मैंने अपनी क्लास में बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि स्टूडेंट हमेशा बोलते थे कि हम तो बहुत वॉक करते हैं लेकिन वॉक करने के बाद हमारे घुटने का दर्द बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है कि एक ही डायरेक्शन में बहुत लंबी देर तक वॉक करते हैं, तो इससे घुटनों पर शरीर का जो प्रेशर आता है उस वजह से, घुटने इतने मजबूत तो है नहीं, घुटने के आसपास की मांसपेशियां तो इतनी मजबूत है नहीं, तो वो मजबूती ना होने के कारण आप दर्द महसूस करते हैं। इसीलिए कभी भी एडवाइस नहीं किया जाता है कि घुटने के दर्द वाले लोग बहुत ज़्यादा लंबी देर तक वॉक करें। तो हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे जिससे हमें कम वॉक करना पड़े लेकिन लाभ अधिक मिले और इससे हमारे पैरों में मजबूती आए, हमारे घुटनों का दर्द धीरे धीरे कम होता जाए। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। और अगर चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। और हाँ, एक बात और, बहुत से लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि हमने आपका चैनल तो सब्सक्राइब किया है लेकिन हमें आपकी वीडियो कब आती है पता नहीं चलता। तो उसका कारण ये है कि नीचे जो घंटी का निशान है ना, आप अगर उसको भी दबा लेंगे तो घंटी का निशान दबाने के बाद आपको मेरी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल जाएगा, तो आप कभी भी मेरी वीडियोस मिस नहीं किया करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आपको पता है आज के हम जो ये सारे अभ्यास करेंगे इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, कि आप अगर घर पे हैं तो घर पे कर लें या घर से बाहर हैं तो घर से बाहर भी अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एक पैर को, अपने दोनों हाथों को कमर पे रखिए या साइड पे रखिए, एक पैर को उठाइए और अपनी एड़ियों को इस तरीके से बाहर की तरफ पुश कीजिए, टो को अपनी बॉडी की तरफ खींचिए ऐसे वन, ऐसा एक हाथ से चाहे तो कोई सहारा भी ले सकते हैं, और वन टू थ्री फोर फाइव। इससे क्या होगा कि पैर की जो मांसपेशियां हैं उनमें रक्त संचार इम्प्रूव होगा ये सारी प्रैक्टिसेस से, और ये जॉइंट्स पर बहुत अच्छा काम करेगा, एंकल जॉइंट्स, पैरों पर ऐसा। फिर दूसरे पैर को भी इसी तरीके से 10-10 बार दोनों पैरों को कर ले नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, वन टू थ्री फोर फाइव। फिर उसके बाद आप अपनी एंकल्स को गोल गोल घुमाना है ना, कैसे, ऐसे, ऐसा ऐसा, अगर दीवार का सहारा नहीं लेना है तो खड़े होके करिए ऐसा, फाइव फोर थ्री टू वन। अब जब एक डायरेक्शन में हो जाए तो दूसरी डायरेक्शन में, वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसा। तो 10 बार घड़ी घूमने की दिशा में और घड़ी घूमने की विपरीत दिशा में 10 बार, यानी 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जब एक पैर से हो जाए तो दूसरे पैर से यही चीज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ऑपोजिट उल्टा घुमाएं, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। जब इतना अभ्यास हो जाए तो अब अपने पैरों के बीच में कमर जितना फासला रखिएगा, फिर उसके बाद दोनों हाथों को कमर पर रख के अपनी एड़ियों को ऐसे उठाना शुरू कीजिएगा, ऐसा धीरे धीरे एड़ी को उठाएं और ड्रॉप करें, एड़ी को उठाएं और ड्रॉप करें। यह अभ्यास कम से कम 30 बार कर लीजिएगा नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, एड़ी उठी और ड्रॉप हो गई, एड़ी उठी और ड्रॉप हो गई। इतना करने मात्र से एंकल के आसपास आपकी पिंडलिनियाँ, आपकी जांघ, आपके घुटने, इन सब पर आप इसका असर देखेंगे, ऐसा 10 9 8 7 6। पूरी एड़ी अच्छी तरीके से उठानी है ना, और अगर ऐसा ना कर पाए तो दोनों हाथों को ऐसे दीवार पर रख सकते हैं और दीवार पर रखने के बाद ऐसे एड़ी उठाएं ड्रॉप करें, एड़ी उठाएं ड्रॉप करें, दीवार हो, कोई पेड़ हो, कोई सहारा हो तो सहारा लेके भी इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। तो 30 बार ये अभ्यास कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अब पैरों को ढीला छोड़िए, पहले ऐसे हल्का हल्का आगे की तरफ, जैसे किसी फुटबॉल को किक मारते, बहुत ज़ोर से नहीं लेकिन बहुत हल्का हल्का, जिससे कि घुटना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर उसके बाद सीधा हुआ, ऐसे दबाया खोला, दबाया खोला, दबाया खोला सामने की तरफ, ठीक है, ऐसा ऐसा धीरे धीरे ऐसा। फिर दूसरे पैर को भी, वन टू नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन।
दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रहकर योग का अभ्यास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं अलग अलग आसन कैसे करते हैं, प्राणायाम कैसे करते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्थ कंडीशन है जैसे कि जॉइंट्स में पेन, घुटने में पेन, आपकी बैक में पेन या शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द रहता है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, रात में नींद नहीं आती, कंसीव नहीं कर पाते, पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, तो ये क्लासेस इस तरीके से डिज़ाइन करती हूँ मैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिले, शारीरिक स्वास्थ्य लाभ भी मिले और मानसिक स्वास्थ्य लाभ भी मिले। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस जूम के माध्यम से कंडक्ट की जाती हैं। सोमवार से शुक्रवार हर दिन एक घंटे का वक्त निकाल के आपको जूम पे लॉगिन करना है ताकि आप मुझे देख सके और मैं आपको देख सकूं, और अगर वहाँ पे कोई भी गलती आप करते हैं तो मैं उसको तुरंत सुधार सकूं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो पहले कभी योग का अभ्यास नहीं किया तो क्या मैं ये क्लासेस ज्वाइन कर सकता हूँ? डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभ्यास नहीं किया, बिगनर है तो भी, और अगर ऑलरेडी अभ्यास कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत कम्फर्टेबल होंगी। अब किसी कारण से शायद आप जूम क्लासेस ना ज्वाइन कर पाएँ तो मैंने कुछ रिकॉर्डेड कोर्स इस तरीके से डेवलप किए हैं जिनको परचेस करने के बाद आप दिन में कभी भी, किसी भी वक्त, कहीं पर और कितनी बार भी इन वीडियोस को प्ले करके अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। इन जो रिकॉर्डेड कोर्स हैं इनमें भी जो वीडियोज़ हैं एक घंटे की वीडियोज़ होती हैं, और उस एक घंटे की वीडियो को चलाने के बाद आपके सामने कोई भी एड्स भी नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, और आप आसानी से, ऐसा लगेगा आपको कि जैसे मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, तो आप पूरे के पूरे अभ्यास को आप कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जूम क्लासेस या कि फिर कोर्स किस तरीके से परचेज कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो मेरी टीम के द्वारा आपको सारी की सारी जानकारी तत्काल भेज दी जाएगी। तो अभी तो वीडियो को पूरी देख लीजिए, फिर उसके बाद आप जाके चेकआउट कीजिएगा। इस तरीके से खोलने के बाद ज़रा साइड बाई साइड भी ऐसे ऐसे 10 बार इस अभ्यास को भी कर लें, जिससे कि पैर जो हैं धीरे धीरे आपके, अब गर्माहट आ रही है इनमें, ठीक है। ये सब करने के बाद आप क्या करें कि अपने जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर, या अपने कमरे पर, या अपने पार्क पर, आप जैसे सीधे चलते हैं ना, उस तरीके से ऐसे सीधे चलें, ऐसा कम से कम ऐसा 5 से 10 मिनट आप घूम लें, ऐसा सामने जैसे आप नॉर्मल घूमते हैं वैसा घूम लें। फिर उसके बाद उल्टा चलना भी शुरू करें, कैसे, ऐसे उल्टा चलना भी शुरू करें। इंश्योर करें कि आप पीछे किसी भी चीज़ से टकराएं नहीं, तो इस तरीके से उल्टा भी चलें, ऐसा ऐसा। हमेशा क्या होता है, हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलते रहते हैं तो घुटनों पर बहुत अत्यधिक प्रेशर आता है, तो इस तरीके से उल्टी दिशा में भी ऐसे चलना शुरू करें, ऐसे। अगर शुरू शुरू में ऐसे उल्टा चलना ना पाए तो थोड़ा सा पीछे देखते हुए धीरे धीरे ऐसे चलें, ऐसा पीछे ऐसे देखते हुए। बहुत बार ऐसे होता है लोगों को कि देख गिर जाएंगे तो डर होता है, तो ऐसे धीरे धीरे चलें, और जब आदत हो जाए तो फिर आराम से कदम को इस तरीके से, तो उल्टा चलना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद एक डायरेक्शन और है कि साइड घूमना शुरू करें, ऐसा राइट साइड पूरा। मान लीजिए आपका पार्क या घर जितना भी बड़ा है, आपकी घर की छत है, तो ऐसा राइट साइड जाइए, फिर लेफ्ट साइड जाइए, ऐसा फिर राइट साइड, ऐसा ऐसा। तो आप देखेंगे कुछ ही देर में, मान लो कि एक घंटे अगर आप घूमते हैं आपको उसमें घुटने में दर्द हो जाता है, लेकिन इसका अभ्यास अगर आपने मात्र आधे घंटे कर लिया, हर एक प्रैक्टिस को 5-5 मिनट, सीधा चलेंगे, उल्टा चलेंगे, फिर साइड चलेंगे, तो इतने में ही आप अच्छी खासी कसरत कर लेंगे और इसमें आपको फिर वो थकान महसूस होगी, ऐसा। तो साइड बाय साइड भी चल लिया तो ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वार्म अप हो गया। तो इसको करने के लिए आप घर की छत में भी जा सकते हैं, या अपनी बालकनी या पार्क में, कहीं भी। अब आइए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अब ये हम करेंगे स्पॉट जॉगिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके की। तो सबसे पहले जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर हल्का हल्का ऐसा, तो कम से कम 5 से 10 मिनट आप टाइमर लगा लीजिए और इसी तरीके से हल्का 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 स्पॉट रनिंग कीजिए। बहुत तेज़ मत भागिएगा ताकि घुटने पर प्रेशर ना आए। हम ये सारे अभ्यास इसलिए कर रहे हैं कि धीरे धीरे शरीर में गर्माहट आए और पैरों पर वो हल्का हल्का जोर पड़े, ऐसा।
तो कम से कम 5 से 10 मिनट, डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। तो इस तरीके से ऐसा हल्का 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 ऐसा। अब उसके बाद जब ये सारे अभ्यास हो जाएं, तो आप इतने अभ्यास से ही मात्र महसूस करेंगे पैरों में एक झंझनाहट आ गई है। और वो झंझनाहट किस लिए हो रही है? क्योंकि रक्त का संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। जब ये सारे अभ्यास हो जाएं, तो फिर से गहरी अंगड़ाई लें, इस तरीके से उंगलियों को फंसाएं और दोनों हाथों को छत की तरफ खींच के ऐसे गहरी अंगड़ाई लें, 2 से 3 बार इस तरीके से। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ, फॉरवर्ड जॉगिंग। तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में ऐसे रखा, फिर अपने दोनों हाथों को एल्बो से मोड़ लिया, कुहनी से मोड़ लिया, और आपकी कुहनी जो है ना, वो आपकी जो ये पसली है, लास्ट वाली रिब केज है ना, यहाँ पर रखनी। फिर से देखिए, ऐसे साइड में था हाथ, एल्बो को मोड़ा, हाथ की हथेली जो है वो फ्लोर की तरफ है और नाखून जो है वो छत की तरफ है, ऐसा। और थोड़ा सा इसको हायर रखेंगे और पैरों के बीच में कमर जितना फासला रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, घुटने को उठाएंगे ताकि घुटना हथेली तक पहुंच जाए, ऐसा 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 ऐसा, और धीरे धीरे इसको 20 टाइम्स रिपीट करेंगे, ऐसा 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 ऐसा। सांस लें और सांस छोड़ते हुए थाई टुवर्ड्स द बेली, सांस छोड़ दिया, सांस लिया, सांस छोड़ दिया, सांस लिया, सांस छोड़ दिया, कंटिन्यू करेंगे 10, 9, 8, 7। तो इससे आप थाई का दबाव पेट पर महसूस कर रहे हैं कि इस दबाव की वजह से पेट की मांसपेशियां भी तो मजबूत होंगी, पेट की मांसपेशियां भी तो एक्टिवेट हो रही हैं, इस तरीके से ऐसा ऐसा। 5, 4, 3, 2, 1। फिर थोड़ा सा आप महसूस करेंगे कि शरीर में गर्माहट आ गई है, नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें और सारी टेंशन दूर भगाएं। तो इस अभ्यास को 3 बार रिपीट कर लीजिएगा, 20-20 के 3 सेट, 30-30 सेट कर लें, या कि फिर 10-10 के 3 सेट कर लें, आप जैसे कंफर्टेबल महसूस करें। फिर उसके बाद अब क्या करें, फॉरवर्ड जॉगिंग के बाद बैकवर्ड जॉगिंग, दोनों हाथों को अपने पीछे हिप के ऊपर रखना है, ऐसे ऐसे और पैरों के बीच में क्या करना है आपको, थोड़ा ज़्यादा फासला, कमर से ज़्यादा फासला रखना है, ऐसा कि एक वी की तरह शेप बन जाए। और फिर उसके बाद एड़ियों को ऐसे अपनी हथेली पर धीरे धीरे टैप करना है, ऐसा ऐसा। तो इससे महसूस होगा पूरी थाई मसल्स पर इसका इफेक्ट। पीछे से देखिए, ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, इस तरीके से 7, 8, 9, 10। अगर पैर को बहुत कम दूरी पर रखेंगे तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी, इसीलिए मैंने बोला कि पैरों को लगभग 2 फुट का फासला रखिएगा। 2 फुट कैसे मेजर करेंगे, मान लीजिए ऐसे पैर को जोड़ा, ऐसा 1 फुट और 2 फुट, जहाँ पर 2 फुट हो गया और दोनों हाथों को कमर पर रखने के बाद ऐसा एड़ी से अपने हथेली पर टैप करना है, 20 बार करेंगे और 3 राउंड इसके कर लेंगे, 3 सेट कर लेंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा। फिर जब थकान हो जाए तो थोड़ा सा रुक जाएं, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप लगातार एक्सरसाइजेस करते रहें, लगातार कोई भी प्रैक्टिस करते रहें, हर एक प्रैक्टिस के बाद थोड़ी थोड़ी देर रुक जाना है। अगर थकान ज़्यादा हो गई हो, नाक से सांस लें, ऐसे तुरंत आप शांत हो जाएंगे, काम हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब हमने फॉरवर्ड जॉगिंग कर ली, बैकवर्ड जॉगिंग कर ली, अब करेंगे साइड जॉगिंग। तो साइड जॉगिंग में पैरों को जोड़ा, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखा और दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फुट का फासला ऐसे कर लिया, और दोनों हाथों को साइड में रखा था तो कलाई से ऐसे घुमा दिया, ऐसा, बहुत दूर नहीं रखना है, पास में, ऐसा नेचुरल। और फिर उसके बाद एड़ियों से अपने हथेलियों को ऐसे टैप करना है साइड बाय साइड, ऐसे 1, 2। अगर इतने में नहीं हो पाए तो पैरों को थोड़ा सा और अलग कर लें, दूर कर लें, और इस तरीके से 1, 2, 3, 4 साइड बाय साइड, ऐसा बाहर निकालें, ऐसा ऐसा, साइड से देखें, ऐसा 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 ऐसा। 5, 4, 3, 2, 1। तो इसके भी
20 रिपीटेशन 3 सेट कर लें, 20 नहीं कर पा रहे हैं तो 10 कर लें, फिर उसके बाद फिर रेस्ट करें। हर एक अभ्यास के बाद आप देख रहे हैं कि हम रेस्ट कर रहे हैं। अब हम चौथे अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम डायगनल करेंगे, डायगनल पैरों को टैप करेंगे। साइड हो गई जॉगिंग, अब डायगनल। तो अब वापस से पैरों के बीच में 1 फुट का फासला ऐसे रखा, नॉर्मल जितना कमर है उतना फासला करके रखा, और दोनों हाथों को अब थाई के सामने ऐसे रखेंगे, और सामने रखने के बाद अपने हाथ को इस तरीके से सामने ही, साइड में नहीं, सामने ऐसा एल्बो से मोड़ लेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपने राइट पैर की एड़ी को लेफ्ट हथेली से ऐसे टैप करेंगे, लेफ्ट पैर के एड़ी को राइट हथेली से ऐसे टैप करेंगे। आपको सामने झुकना ना पड़े तो हाथ थोड़ा डाउन रखिएगा और थोड़ा वाइड रखिएगा, ऐसा ऐसा, यानी डायगनल तिरछा, ऐसा 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 ऐसा। यकीन मानिए ये सारे अभ्यास आप करेंगे ना तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, ऐसा 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 ऐसा, इस तरीके से 5 4 नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ये सारे अभ्यास करेंगे। 3 2 1 इतना अभ्यास करने मात्र से मैं खुद महसूस कर रही हूँ पैरों में गजब की झंझनाहट आ गई है, और थोड़ा हल्का मैं गर्माहट महसूस कर रही हूँ शरीर में। आई एम श्योर कि जब आप ये सारी प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपको उतना ही मज़ा आएगा। ये सारे अभ्यास करने के बाद थोड़ा सा अपने घुटनों पर हल्का स्ट्रेचिंग करेंगे, जो कि ज़रूरी है, तो दीवार के सहारे ऐसे लग जाएं, और फिर उसके बाद चूँकि घुटने में दर्द ज़्यादा होगा तो थाई के नीचे ऐसे यहाँ पकड़ें, यहाँ इस जगह पे ऐसा, और उठाएं, होल्ड करें इसे, इससे पैरों को आराम मिलेगी। और अगर आप शिन पर पकड़ सकते हैं, यानी घुटने के नीचे पकड़ सकते हैं, तो यहाँ पर पकड़ें, होल्ड करें ऐसा, फिर दूसरे पैर को भी इसी तरीके से, अगर थाई के नीचे पकड़ सकते हैं तो यहाँ पकड़ें, या ऊपर पकड़ सकते हैं तो यहाँ पकड़ें ऐसे, तो इससे पैरों को आराम मिलेगा। फिर इसी तरीके से एक हाथ को दीवार पर रखें, अपने राइट पैर की एड़ी को ऐसे हिप की तरफ लेके जाएं और ऐसे होल्ड करके रखें, अगर इतना नहीं उठ सकता है तो जितना उठे उतना। फिर दूसरे पैर को भी इस तरीके से ऐसे ऐसे, और ये सारे अभ्यास करने के बाद फिर आप शवासन में लेटकर कम से कम 5 से 10 मिनट रेस्ट करेंगे। कैसे? ऐसे। शवासन किसको कहते हैं? इसको कहते हैं ऐसा। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इतने सारे अभ्यास इतने कम समय में सीख लिए, और अब मुझे पूरा का पूरा पक्का भरोसा है कि आप ये सारे अभ्यास खुद ज़रूर किया करेंगे। देखिए, हर दिन खुद अभ्यास करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अब अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल थी तो इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ तक देख लिया है तो आई एम श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हाँ, और अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई कमेंट है, अगर आप मुझे बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। आप सभी अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।